फिर से बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालयों और राज्य सरकारों के बीच तालमेल बनाना जरूरी है। उन्होंने इसकी बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री ने कोरोना प्रभावित 12 राज्यों में मेडिकल ऑक्सीजन आपूर्ति की वर्तमान स्थिति और इसकी अनुमानित मांग की विस्तृत समीक्षा की। इन राज्यों में जिलेवार स्थिति की जानकारी उन्हें दी गई। प्रधानमंत्री को जानकारी दी गई कि केंद्र और राज्य सरकारें नियमित रूप से संपर्क बनाए हुए हैं और अनुमानित मांग संबंधी आंकड़े राज्यों के साथ साझा कर रही है। बैठक में बताया गया कि ज्यादा संक्रमण वाले 12 राज्यों को 4,880 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन दी जा चुकी है। इसके अलावा इन राज्यों को 12,212 मीट्रिक टन अतिरिक्त ऑक्सीजन की भी आपूर्ति की जाएगी। प्रधानमंत्री को मेडिकल ऑक्सीजन की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए देश में इसके उत्पादन के बारे में भी बताया गया। उन्हें जानकारी दी गई कि स्टील संयंत्रों के पास उपलब्ध ऑक्सीजन के स्टॉक को भी चिकित्सा उपयोग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों को पूरे देश में ऑक्सीजन ले जाने वाले टैंकरों के बाद आवाजाही सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।